हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या लगाया है, ये क्या लगाया है यार, क्या बोलूँ मैं। पहले हम मौसम देखते हैं बाहर का, क्योंकि मेरे को टेंशन हो रही है। नहीं, आज तो मौसम ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो मौसम ठीक है। देखो यार, मैं बीमार हो गया बहुत ज़्यादा। कल बारिश की वजह से बीमार हो गया। वो बाइक चला रहा था ना मैं, कल आपने ब्लॉग में देखा होगा, तो उसकी वजह से सिर में भी दर्द, इसलिए मैंने ये लगाया और चेंज भी नहीं किया। मैंने सोचा पहले मैं मौसम देखता हूँ, और आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि मैं बीमार हूँ आज बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं आज दिन का सीन क्या रहेगा। और ये है हमारा कुकड़ुकू। मैंने ब्लॉग में नहीं लाया था अभी तक, लेकिन आज लाया, क्योंकि ये जब भी मैं व्लॉगिंग करता हूँ ना, ये इंटरप्ट करता है मेरे को। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज से मैं इसको भी लाता हूँ व्लॉग में। तो देखते हैं दूसरी बार, इसलिए मैं इसको व्लॉग में नहीं लाता, यही वजह है। अब देखते हैं व्लॉग मतलब इनका सीन क्या रहेगा, है ना। ठीक, अभी मैं वापस जाता हूँ सोने के लिए। दवाई भी खाई, आज भी रोज़ा है, आज लास्ट रोज़ा है और लास्ट जुमा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको बाद में। तो व्यूअर्स, अभी बज चुके हैं 11 और अजान स्टार्ट हो चुकी है। यार आज पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज़्यादा पेन है इधर यार, इतनी ज़्यादा पेन है मत पूछो। अब लास्ट रोज़ है आज, और देखो मौसम कितना अच्छा है। मैं पहुंच चुका हूं अभी सरेवल। तो अभी मैं दसगिर साहब में नमाज पढ़ता हूं अंदर आस्थान पर, तो उसके बाद देखते हैं। तो फाइनली आज नमाज ख़त्म हो गई है। ये देखो रश कितना है। तो अब मैं फाइनली घर आ गया हूँ। तो आज मैं किसी जगह जा नहीं पाया, क्योंकि मैं बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार, और मतलब सुबह से पेन हो रहा है इधर पेट में। और ये देखो, ये मेरे को रोज़ इंटरप्ट करता है, इसलिए मैं इसको नहीं लाता हूँ बाहर में। ये देखो हमारे कुकड़ुकू, मुझे इसकी बहुत पेन है, मैं इसको मार डालूँगा। जब भी मैं बात करता हूँ ना, तो ये कुकड़ुकू करता है। तो आज खानी हमको लास्ट इफ्तारी करनी है हमको, तो उसके बाद अगले साल हमको रहना है रोज़दार, है ना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ दोस्त के पास, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। अभी अभी मैंने बाइक निकाली है अपनी, अपनी बाइक निकाली है। ये देखो फ्रेंड्स, अभी तो मैं आ गया हूँ ग्राउंड में, लेकिन इधर तो आज कोई नहीं है, बारिश की वजह से कोई बैठता ही नहीं है इधर। यार परसों से बारिश हो गई ना कंटिन्यू लगातार, तो अब मज़ा ही नहीं आता है, मतलब इंसान को अच्छा ही नहीं लगता है बाहर निकलना। ये ग्राउंड है ना इधर, वो मतलब आप उधर से देखो, उधर से कितना पानी आ गया है, जैसे लगता है मतलब ये जहलीम है उधर से। और मतलब बारिश की वजह से मौसम भी इतना क्लियर हो गया है ना, पूरा क्लियर व्यू आ रहा है इस साइड से, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखो पहले इधर मैंने पूरा बचपन गुजारा है इस वाले ग्राउंड में, और देखो मौसम इतना क्लियर हो गया है ना, मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। देखो अभी भी मतलब बर्फ़ है पहाड़ों पर, वो देखो बर्फ़, देखो अभी भी बर्फ़ ऐसे ही है, इसीलिए ना मतलब कश्मीर में ज़्यादा ही ठंड रहती है। और ये देखो, ये तो सामने ही है ये वाला पहाड़, और उस साइड से देखो, उस साइड से तो पूरा व्यू आ रहा है।
आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा, वो देखो मैं जूम करके दिखाऊंगा, ये देखो ईगल्स कैसे बैठी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब ईगल्स ना इसी पर बैठे हैं, इनकी शायद वहाँ पर मीटिंग चल रही है। ये देखो कितने ईगल्स है, और वो देखो पीछे से क्या व्यू आ रहा है, वो बर्फ़ के पहाड़। व्यूअर्स आपको पता है जब मैंने फर्स्ट व्लॉग शूट किया था ना, तो यही लोकेशन मैंने यूज़ की थी, आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट व्लॉग, और बराबर मतलब यही लोकेशन मैंने यूज़ की थी उस टाइम। आप आज भी देख सकते हो थोड़ा सा मतलब फ़र्क आ चुका है अभी, लेकिन यार व्यू तो अच्छा आ रहा है, लेकिन है ना वो वाला है शंकराचार्य पार्ट जहाँ मैं परसों गया था। आपको पता है एक वक्त ऐसा भी था इधर कि ये सड़क भी नहीं थी, मतलब कोई नहीं आता था इधर इस टाइम, मतलब इवन आफ्टरनून में भी और डे लाइट में भी यहाँ पर कोई नहीं आता था, क्योंकि यहाँ से बहुत डरावना था। और मैं जा रहा हूँ उधर, वो है आइलैंड, सिर्फ उधर दो चिनार के पेड़ है और थोड़ा सा ऊपर है उधर। तो अभी हम जा रहे हैं उधर ही, क्योंकि फ्रेंड ने बोला कि आ जाओ इधर, उधर मैं नहीं आऊँगा, उधर पता नहीं इनका सीन था कुछ, तो उन्होंने उधर आग भी जलाई है और पेट में बहुत दर्द है यार, मत पूछो। मेरा तो कुछ सीन ही नहीं बन रहा था, मैंने सोचा कि नहीं व्लॉगिंग तो करनी है ज़रूरी है, आपको तो कुछ दिखाना है ना, ऐसे तो नहीं ना मैं बैठ सकता हूँ घर में। आपको पता है ये जो ये वाला साइड है ना, ये पता है कितना गहरा है, ये 10 फीट गहरा है। इस साइड नहीं है, इस साइड थोड़ा है, लेकिन इस साइड 10 फीट गहरा है। पिछली बार भी इधर एक घोड़ा आ रहा था इस साइड, वो उसी में गिर गया था, फिर वो मर गया बेचारा। 8 फीट गहरा है इधर ये देखो कहाँ पर बैठे हैं ये लोग, इनको बहुत सर्दी लगी है, सब एक जगह बैठे हैं। तो फ्रेंड्स आज बहुत दिनों बाद शख्सियत, खास शख्सियत मिलने जा रहे हैं हमसे, इनको ये देखो, पहले शर्माएगा फिर ये पूरा है ना ओपन हो जाएगा। क्या बात है, आज बहुत टाइम के बाद मिल रहे हो भाई। मैं या तू? ये मेरे को ही बोल रहा है, देखा मैं पहुंच में फोन ही करा था। अरे यार मैं बिजी रहता हूँ, व्लॉगिंग करना होता है ना, तो उसकी वजह से आज भी बीमार ही था मैं। आपको नहीं लग रहा है मेरी शक्ल से, मेरी नाक भी रेड हो गई है ना। हाँ मैं लगा दूँ वरना टोपी, मेरे को माइग्रेन है, पागल है ले जाओ ना और तू पेट। अच्छा तालिब मेरे को ये बोल ना, क्या बोल रहा था मेरे को भूल गया। अच्छा ये कल ईद है, हमने आपने भी बोल, हमने बोला ही नहीं अपने मत ना लग रहा है व्यूअर्स। आज तो मतलब वैसी खुशी है ही नहीं आज, मतलब जैसी पहली होती थी, और मतलब अभी लेकिन सनसेट क्या है अभी, ओहो जरा इनको दिखाएंगे थोड़ा सा ले। तो जब पहले ईद होती थी ना तो इतना मज़ा आता था उस टाइम, खुशी रहती थी। नहीं असली पता है वजह क्या हो गया, ये बारिश पड़ रही ना परसों से, तो मौसम भी ठंडा है, तो उसकी वजह से मूड ही ऑफ है सबका, सब शांत है, मतलब ना चहल पहल है ना कुछ। क्या बोलूँ मैं आपको, आज का मतलब सबको ना यार क्या बोलूँ मैं, मूड ही ख़राब है, पता नहीं क्या बात है, मतलब वो खुशी नहीं महसूस हो रही है जो पहले होती थी। अभी मौसम तो अच्छा है देखो, ये सिर्फ बोलता है, मेरे को हंसी आती है कैमरा में जब मैं देखता हूँ फिर हंसी आती है, क्या करें। तो फिलहाल देखते हैं, मेरी तरफ से तो मेरे सब सब्सक्राइबर्स को ईद मुबारक तहे दिल से, और दुआओं में याद रखना ना, मतलब अगर कोई दूसरे स्टेट से देख रहा है तो उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक, ठीक है, और मेरे लिए दुआ करना, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूरी करना। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, फ़िलहाल के लिए आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक।